मुस्लिम धर्म गुरु का बड़ा फैसला, शादी समारोह में नहीं बजेगा डीजे, शादी में अश्लीलता फैलाते हैं डीजे, बिना डीजे क्या शादी में जमेगा रंग। शादी विवाह किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा समारोह होता है, जहां पति पत्नी पूरा जीवन एक दूजे के साथ बिताने की कसमें खाते हैं। शादी की रौनक नाच गाने गीत और संगीत से होती है, क्योंकि इसके बिना समारोह फीका नजर आता है। लेकिन आजकल इसकी जगह डीजे ने ले ली है, लेकिन इस डीजे के जरिए कई बार फुहड़ता भी परोसी जाती है। शायद इसलिए अलीगढ़ में मुस्लिम उलेमाओं ने सुन्नी उलेमा काउंसिलिंग की बैठक में एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले को जानकर आप हैरान हो सकते हैं। बैठक में यह तय किया गया है कि अगर किसी शादी में डीजे बैंड बाजे या नाच नौटंकी होंगे तो मौलाना निकाह पढ़ने नहीं जाएंगे। यानी मुस्लिम शादी में अगर डीजे बजेंगे तो काजी निकाह में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, मौलाना उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं करेंगे। देखिए, ये सही फैसला है, अच्छा फैसला है, स्वागतीय फैसला है। और ये फतवा जो होता है, ये जो लोग इस्लाम के फॉलोवर होते हैं उनको फतवा मानना ज़रूरी होता है, उनके ऊपर लाजिम होता है कि वो मुफ्तियों के द्वारा दिए गए फतवे को माने। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि डीजे जहाँ बजाए जाएंगे वहाँ हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे या ऐसी शादियों का हम बहिष्कार या बाइकाट करेंगे, तो उसका हम समर्थन करते हैं। और हम कहते हैं कि वो जो लोग निकाह पढ़ाने जाएँ उनका भी बाइकाट होना चाहिए। जो लोग ऐसी शादियों में निकाह पढ़ाने जाएँ मुफ्तियों की बात को न मान करके, तो उन लोगों का भी बाइकाट होना चाहिए जो लोग फतवे के बावजूद भी निकाह पढ़ाने के लिए जाएँ। तो ऐसी शादियों का बाइकाट होना चाहिए। और डीजे जो है, ये खुराफात है, और इस खुराफात से न जाने कितने लोगों की जाने जा चुकी हैं। और ये इस हमारे मजहब में डीजे वीजे की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ एक तरफ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसे सही बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसका विरोध तो नहीं कर रहे लेकिन जनता पर इसका फैसला छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की माने तो हर शख्स का अपना जीवन है और वो अपने हिसाब से फैसले कर सकता है। लिहाजा मौलाना को या किसी मुस्लिम कमेटी को इस तरह के फैसले जनता पर छोड़ देने चाहिए। लेकिन आप लोग फतवा कह देते हैं, फतवा सिर्फ मुफ्ती दे सकता है, हर आदमी फतवा नहीं देता। जिसकी दाढ़ी देगी, आपने कहा भैया फतवा दीजिए, किसी सरदार जी को पकड़ लो, कल को कहना फतवा दे दो, किसी बाबा को पकड़ लो इसकी बड़ी सी दाढ़ी होगा भैया फतवा दे दो। तो फतवा देने के लिए बाकायदा आलिम फाजिल बनने के बाद एक डिग्री होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, और हर आदमी फतवा नहीं दे सकता। दोस्तों, अब देखना होगा कि सुन्नी काउंसिल के इस फैसले से मुस्लिम समाज कितना सहमत होता है और बैठक में लिए गए फैसलों को कितने तवज्जो दिए जाते हैं। वर्तमान समाज की स्थिति को देखते हुए सुन्नी काउंसिल का यह फैसला कुछ हद तक सही नजर आता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें तो शायद शादी समारोह का फीकापन नजर आएगा। लिहाजा जरूरत है डीजे जैसी संगीत के माध्यम को शालीनता से परोसने की, जिससे किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो।